नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AGI न्यूज़ में। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत और चीन के बीच जो मीटिंग हुई उसका आखिरकार रिजल्ट क्या निकला। तो दोस्तों आपको बता दूं, भारत ने साफ साफ बोल दिया है चाइना को कि वो अपनी सेना 4 किलोमीटर पीछे ले ले और अप्रैल वाली पोजीशन में वापस आ जाए। तो बदले में चीन ने क्या बोला है, चीन ने भी यही बोला है कि भारत अपना निर्माण कार्य रोक दे। लेकिन भारत ने क्या बोला है, भारत ने बोला है कि वो अपना निर्माण कार्य नहीं रोकेगा क्योंकि वो अपना निर्माण कार्य अपने सीमा क्षेत्र के भीतर ही कर रहा है। लेकिन भारत भी टस से मस नहीं हुआ और भारत ने अपनी कूटनीतिक दबाव के चलते चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, चीनी सेना मान गई है कि वो पीछे हटेगी और भारत की सेना भी पीछे हटेगी। भारत ने तो साफ साफ शब्दों में ये बोल दिया है कि चाइना को कि वो अपनी अप्रैल वाली पोजीशन में वापस चली जाए और चीन भी इस बात पे सहमत होता दिख रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही। दोनों देश जो हैं शांति बहाली के लिए तैयार हो गए हैं और दोनों देश शांति बहाली रखने के लिए आगे भी इस तरीके की मीटिंग करते रहेंगे। आपको बता दूं कि मीटिंग से ठीक एक दिन पहले चीन का मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दी थी। उसने भारत को धमकी ये दी थी कि भारत जो अमेरिका का समर्थन जो भारत को मिल रहा है उससे भारत खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लग गया, इसीलिए वो सीमा पर चाइना के साथ जो है टेंशन बढ़ा रहा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत को चीन की बातों में नहीं आना चाहिए और चाइना के साथ शांतिपूर्ण समझौता करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यदि भारत अमेरिका की बातों में आके चाइना से भिड़ेगा तो भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। एक तरफ तो चीन शांति की बातें करता है और दूसरी तरफ उनका मुख्य पत्र जो है आए दिन भारत को धमकी देता रहता है। आखिर भारत भरोसा करे तो किस पे करे, चाइना की सरकार पे करे या उनके मुख्य पत्र पर भरोसा करे। चाइना तो हमेशा से ही भारत को धोखा देता आया है और मौका मिलता ही भारत की पीठ पे खंजर ठोका है। मेरा तो यही मानना है कि भारत को चाइना की बातों में नहीं आना चाहिए और बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी और टाइट करनी चाहिए और चीन पे दबाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि वो बॉर्डर से अपनी सेना पीछे हटा ले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।